पीएच मीटर के बारे में आपको बताएंगे। पीएच मीटर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा पीएच मीटर बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पीएच मीटर में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम के कारण ये पीएच मीटर हमारा एरर बताने लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, ये पीएच मीटर जो है तो किसी भी बल्ब का देखते हैं, किसी भी चीज़ का पीएच देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, हमें बफर के कारण ही ये एरर बता रहा है। तो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। तो पीएच मीटर में मुख्यतः दो तरीके के सेंसर पाए जाते हैं। एक हमारा होता है पीएच इलेक्ट्रोड होता है, जिससे हम बल्ब वगैरह देखते हैं, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। और दूसरा हमारा जो होता है, ये जो वायर लगा हुआ, वाइट कलर का वायर लगा हुआ, ये हमारा जो होता है टेम्परेचर के लिए होता है। और हम अभी आपको निकाल के दिखाएंगे, ये हमारा जो हुआ इलेक्ट्रोड वाला वायर हुआ, जिससे हम बल्ब को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको वायर को निकाल देते हैं पीछे से, और यहाँ पे जो ये पूरा सर्कल बना हुआ, तो सर्कल के जस्ट बीच में एक आपको जो दिख रहा होगा स्टील नुमा, तो स्टील के बीच सेंटर और बगल वाले सेंटर से हम फोर्सेप के माध्यम से दोनों को अटैच करेंगे। ये हमारा फोर्सेप हुआ, और फोर्सेप को अटैच करते हुए हमारा जब हम पीएच देखेंगे तो हमारा पीएच 7 के नियर अबाउट आना चाहिए। और इसमें हमको टॉलरेंस लिमिट जो होता है हमारा 0.1 होता है, यानी कि हमारा जो हमारा पीएच न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल 7 होता है, तो न्यूट्रल 7 के लिए 0.1 जो होगा तो 6.9 मिनिमम होगा और मैक्सिमम 7.1 होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हम दोनों को अटैच करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमारा वेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6.91 शो कर रहा है। ये देखिए, हम दोनों में अटैच कर दिए हैं, सेंटर और बगल में इलेक्ट्रोड वाले वायर के। तो यहाँ पे 6.97 शो हो रहा है, यानी कि 7 के नियर अबाउट है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा जो पीएच मीटर है बिल्कुल एरर नहीं है। जो कि एरर होगा तो वहाँ पे केमिकल्स के जो बफर वगैरह होंगे, तो उससे हम इलेक्ट्रोड की चार्जिंग वगैरह को हम एरर बता सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, एंड वेलकम।